एक तो ये हो गया बॉल मिक्सर और दूसरा हो गया डायवेटर। पिलर कॉक हो गया जो कि बेसिन में लगता है। ये जो हैंड शावर है ये भी, इसमें भी थ्री फंक्शन है, कैस्केड, एयर फ्लो और एक मिस्ट है। ये तीन फ्लो वाला हैंड शावर है। शावर दिखने में भले ही बड़ा अच्छा लगता हो लेकिन जो प्रेशर छोटे का आएगा वो बड़े इतना प्रेशर नहीं आता है। अब इसके साथ वॉलन सीट के साथ जो कवर इसका आता है वो हाइड्रोलिक कवर आता है जो कि सॉफ्ट क्लोज होता है। इसमें आपको डुअल फ्लशिंग मिल जाएगी 3 लीटर और 6 लीटर। इसमें आपको फिटिंग्स आपको एल्बो टी बॉल वॉल एमटी एफटी सब मिल जाएगी। टोर्नेडो फ्लशिंग स्टार्ट हो गई आजकल आना। टोर्नेडो फ्लशिंग मतलब 3D फ्लशिंग होती है जिसमें पानी पूरा वॉल्केनिक जैसे राउंड घूमता है, 360 डिग्री पानी घूमता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से हमारे चैनल अव्याना इंटीरियर्स पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिटरी के बारे में। सैनिटरी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके घर में इंटीरियर्स में, नल फिटिंग हो गया, मिक्सर हो गया, शावर हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी के बारे में आज बात करने वाले। और अगर आपका नल फिटिंग ये सब इंटीरियर का काम चल रहा है और आप ये खरीदने जा रहे हो दुकान पे तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखते हुए जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम ये सारे सैनिटरी प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाले, उनकी डिज़ाइंस देखने वाले, कौन कौन सी आज मार्केट में ट्रेंडिंग डिज़ाइन चल रही है उनके बारे में आज बात करने वाले। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आए इंदौर शहर के अंदर ऑर्चिड इंटरप्राइजेस की इंटीरियर की शॉप पर, जहाँ पर सेनेटरी हो गया, टाइल्स हो गया, सभी इंटीरियर की चीज़ों में डील किया जाता है। तो और साथ में हमारे साथ है अंकुर भैया, यहाँ के ओनर है, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे, इनके एक्सपीरियंस से, इनके अनुभव से हम और भी इंटीरियर के बारे में, सेनेटरी के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अंकुर भैया आप ये बताइए कि आप किन किन चीजों में डील करते हैं। मैं पास सीमेंट का मैं डीलिंग करता हूँ, उसके बाद पाइप्स और फिटिंग्स हो गई, इसमें सीपीवीसी एसडब्ल्यूआर पाइप्स होते हैं जो कि प्लम्बिंग और सैनिटेशन के काम में आता है जी। इसके अलावा सैनिटरी में फॉसेट्स हो गए अपने, जो शावर डायवेटर वो हो गए, उसके बाद अपना सिरेमिक में सैनिटरी वेयर में बेसिन सीट्स सब में डीलिंग होती है। उसके अलावा किचन में सिंक लगते हैं स्टील के, वो भी है मेरे पास। और टाइल्स हो गया अपना, विंडो ब्लाइंड्स हो गया, वुडन फ्लोरिंग हो गया, ओवरहेड टैंक हो गया, ये सभी आइटम्स में मैं डील करता हूँ। और आपकी कोई डीलरशिप आपने ले रखी है? मैंने सीमेंट की डीलरशिप ले रखी है, परफेक्ट प्लस की। उसके बाद इसमें सैनिटरी में मैंने कैरोविट कजारिया का प्रोडक्ट है उसकी डीलरशिप ले रखी है, जॉनसन की डीलरशिप है मेरे पास और फिनोलेक्स की डीलरशिप है, पाइप फिटिंग में फिनोलेक्स डीलरशिप है मेरे पास। तो मतलब काफी सारे मतलब वैरायटी में आप डील करते हैं, वाइड रेंज ऑफ वैरायटी आप रखते हैं यहां पर। तो सबसे पहले सैनिटरी की ये वीडियो होने वाली है, तो सैनिटरी से स्टार्ट करते हैं। तो सैनिटरी के अंदर आप कौन कौन सी चीजों में डील करते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें? सैनिटरी ओवरऑल सैनिटरी दो पार्ट में डिवाइड है जी। एक अपन जिसको बोलते हैं नल वाला सेक्शन जिसको फॉसेट बोलते हैं, और दूसरा जो सिरेमिक वाला आइटम होता है उसको सैनिटरी बोलते हैं। फॉसेट में अपना नल शॉवर और हैंड शॉवर हो गया, नल हो गया, डायवेटर हो गया, इस टाइप की चीजें आती है। और सैनिटरी में अपना बेसिन हो गए और सीट्स हो गई, बेसिकली वो चीज आती है। सिरेमिक वाला जो आइटम आता है वो सैनिटरी में बोलते हैं, और ये जो नल अपन देख रहे हैं पीछे ये इसको फॉसेट वाले डिवीजन रहता है। तो सबसे पहले ये वाला डिवीजन, अपन पहले फॉसेट वाले डिवीजन की बात करते हैं। फॉसेट में सबसे पहले नहाने के लिए जो दो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, एक तो ये हो गया वॉल मिक्सर और दूसरा हो गया डायवेटर। वॉल मिक्सर ट्रेडिशनली जो पहले चलता था जिसमें अपना दो फंक्शन आते हैं, गर्म ठंडा, जो अपने को अपन बकेट में भी मिल जाता है, और अपने को अगर शॉवर में चाहिए तो शॉवर में भी अपने को ऑपरेशन मिल जाता है, ठंडा गर्म दोनों मिल जाता है। इसमें पर क्या होता है कि अपने को अगर मिक्स पानी चाहिए तो अपने को अपने अपने लेवल पे दोनों को सेट करना पड़ता है, तो उस हिसाब से गर्म ठंडा मिक्स होकर आता है। ये पहले चलता था, अब उसके बाद इनोवेशन हुआ है, कंपनी सब डायवेटर पे आ गई है। डायवेटर इसमें क्या होता है, पीछे कंसील बॉडी लगी रहती है, पीछे कंसील बॉडी लगी रहती है जिससे वो पानी जो मिक्स होता है वो बराबर मिक्स होता है, 50% ठंडा होता आता है, 50% गर्म आता है। तो इसमें अपने को मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इसमें सेट करना नहीं पड़ता। इसको अपन ने ओपन करा तो यहाँ से अपने को मिक्स पानी आएगा जिसको कुनकुना पानी अपन बोलते हैं, जिससे अपन ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो बकेट में आ जाएगा और वही ऑपरेशन अपने शॉवर में मिल जाएगा। तो ये दोनों आइटम अलग अलग है, मतलब पहले ये चलता था, अब आजकल डायवेटर आ गया, ट्रेंडिंग ये चल रहा है, डायवेटर आ गया। ये कैरोविट ब्रांड का है, कैरोविट कजारिया का जो प्रोडक्ट है, कजारिया टाइल्स आपने नाम सुना होगा उसका प्रोडक्ट है, इस पर 10 साल की वारंटी है, ऑन साइट सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद वॉल मिक्सर ये जो लगा हुआ है जॉनसन का है, इस पर भी 10 साल की वारंटी है जी। इन दोनों की जो मेन चीज रहती है वो इसका प्रोडक्ट जो रहता है, इसके अंदर वो ब्रास का रहता है, उसके ऊपर क्रोम पॉलिश हुई जाती है। क्रोम पॉलिश इसमें 0.9 माइक्रोन की है जी। इसमें 0.9 माइक्रोन की है जी।
दूसरा इसको जो क्लीन करना रहता है तो वो ध्यान रखना पड़ता है कि अपन एसिड से साफ नहीं करें, क्योंकि इसको जो इसकी जो पॉलिश है, अगर एसिड साफ करेंगे तो वो पॉलिश पूरी निकल जाएगी। और क्या प्राइस रेंज है? यह इसकी प्राइस रेंज आती है अप्रॉक्स 4000 रुपीज और इसकी जाती है अराउंड 6000 रुपीज, इतना 2000 का थोड़ा सा महंगा है, पर आजकल यही चल रहा है, सबसे ज्यादा यही लोग यही प्रेफर करते हैं। और नेक्स्ट आइटम पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आइटम हो गया अपना पिलर कॉक हो गया, जो कि बेसिन में लगता है। इसमें भी दो तीन आइटम आपके पास मिल जाएंगे। एक तो नॉर्मल पिलर कॉक हो गया जिसमें सिर्फ ठंडा पानी आता है, उसके बाद एक अपना आ गया मिक्सर जिसमें आपको गर्म ठंडा दोनों मिल जाएगा। अच्छा, बेसिन में भी अपने को दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, गर्म ठंडा दोनों मिल जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन है। उसके अलावा अगर अपन दूसरी चीज पे जाए तो एक स्वानिक आता है, ये रिवॉल्व करता है, अगर किसी को फेस वॉश करना हो तो इसको मूव करना हो तो ये मूवेबल है, तो इसको अपन ये भी लगा सकते हैं। तो इसमें आपको अलग अलग नॉब मिल जाएगी, जैसे अपन एक ये नॉब ये देख रहे हैं, एक नॉब ये है, एक नॉब ये है, तो अपने को ऐसे नॉब पूरी मिल जाएगी, अलग अलग डिजाइन की नॉब मिल जाएगी। जनरली लगभग इसमें 12 डिजाइन है, 12 डिजाइन हाँ, नॉब्स अवेलेबल है। जनरली क्या होता है कि अगर एक डिजाइन किसी ने फाइनल करी तो फिर वो पूरा घर में एक ही डिजाइन का नॉब लगाता तो सिमेट्री दिखती है। अलग अलग लगाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जनरली एक नॉब फाइनल करता है आदमी तो फिर वो सभी बाथरूम वही लगता है। इन दोनों में अपन हैंड शावर भी लगा सकते हैं। ये जो हैंड शावर है ये भी, इसमें भी 3 फंक्शन है, कैस्केड, एयर फ्लो और एक मिस्ट है। ये 3 फ्लो वाला हैंड शावर है। हाँ, एक अपना ओवरहेड शावर हो गया, ये हैंड शावर हो गया। तो ये हैंड शावर अपने को डायवर्टर में भी लग जाता है और वॉल मिक्सर में भी लग जाता है जी। ये दोनों ऑप्शन में अपने हैंड शावर मिल जाएगा। ओवरहेड शावर अपने पास अब जनरली मार्केट में मिलते हैं, 4x4 साइज हो गई, उसके बाद 6x6 साइज हो गई, उसके बाद 8x8 साइज हो गई। बाथरूम के हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है। मेनली दो डिजाइन चलती है, एक स्क्वायर चलता है और एक राउंड चलता है। शावर दिखने में भले ही बड़ा अच्छा लगता हो लेकिन जो प्रेशर छोटे का आएगा वो बड़े इतना प्रेशर नहीं आता है, मतलब इसका प्रेशर ज्यादा आएगा। जनरली मैं सजेस्ट करूंगा कि छोटे शावर लगाए अपन, पर क्या हो रहा है कस्टमर आजकल मांगते बड़े शावर, और अगर बड़े शावर लगाना है तो फिर प्रेशर रूम लगाना पड़ता है, क्योंकि बड़े शावर में प्रेशर ड्रॉप होता है, जितनी बड़ी स्पेस हो जाएगी उतना प्रेशर कम होता जाएगा जी। इसमें आउटलेट के पॉइंट्स कम है तो इसमें प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ, तो दोनों का ये फर्क है। जहाँ पे अपनी हाइट आ रही है 8 फ्लोर 9 फ्लोर 10 फ्लोर, वहाँ अपन बड़े शॉप लगा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, चल जाएगा। लेकिन जहाँ अपन ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे लगा रहे हैं और उसके ऊपर ही अपना वाटर टैंक है तो फिर अपने को छोटे शॉवर लगाना चाहिए, क्योंकि टंकी नीचे देखिए प्रेशर कम हो जाएगा और छोटे शॉवर लगाना चाहिए। और अगर अपना हाइट है तो बड़े शॉवर अपन लगा सकते हैं। भैया इनका कोई डिसएडवांटेज आपको लगता है जो बाद में 1-2 साल बाद अगर देखने को? इसके साथ डिसएडवांटेज ये है कि पानी में कैल्शियम बहुत है, इंदौर के पानी में, तो वो खार जो रहता है कैल्शियम यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, तो उसके वजह से इसकी नॉब जो है वो धीरे धीरे उसमें चोक होने लग जाती है। तो उसका एक दो अपन मतलब केयर कर सकते हैं। एक तो अपन रेगुलर इंटरवल पे शॉवर को हाथ से साफ करते जाए अपन, या फिर दूसरा अपन वाटर सॉफ्टनर लगाए तो उसके बाद आपकी सर्विस बढ़ जाएगी, शॉवर की सर्विस आपको जनरली ज्यादा मिलेगी। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो क्या ड्यूरेबिलिटी रहेगी? ड्यूरेबिलिटी लगभग 10-12 साल के आसपास तो आराम से कोई शॉवर चलता है, क्योंकि इसमें अपना मैनुअल कुछ भी करना नहीं पड़ता, कभी अपने को हैंड से कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसकी लाइफ रहती है 10-12 साल आराम से जाता है। मेटल बॉडी है तो उसमें भी कुछ होना उसमें भी होना नहीं। और ड्यूरेबिलिटी नल की भी सेम इसमें भी है, इसमें भी 10 इयर्स वारंटी है, ऑन साइट सर्विस है, 10 साल में कुछ भी होता है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देती है प्रोडक्ट। अंदर का स्पिंडल जो हो गया वो चेंज करना तो कंपनी देके देती है, अगर लीकेज हो रहा है तो वो भी कंपनी का बंदा आके ठीक करके जाता है। दोस्तों अभी हमने जाना फोसेट के बारे में, जिसमें मिक्सर के बारे में, नल के बारे में, सभी के बारे में जाना, तो ये इसमें हमने डिजाइन भी कवर करी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो फोसेट के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे सैनिटरी के बारे में जी भैया, तो सैनिटरी के बारे में कुछ बताइए। सैनिटरी में सबसे पहले सीट की बात करें अपन, तो सबसे पहले इंडियन सीट जो चलती थी, स्टैंडर्ड जो चलती थी, हाँ, वो लगती थी। उसके बाद एक यूरोपियन सीट आई, तो यूरोपियन सीट आज भी मार्केट में अवेलेबल है, ये भी अपन चाहे तो लगा सकते हैं। उसके बाद जो अपडेट हुआ वर्जन, उसके बाद आई वॉलंग सीट। वॉलंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वॉल पे हैंग हो जाती है, ये जनरली ये वाली जो सीट है वो फ्लोर माउंटेड रहती है, ये वॉलंग सीट हो गई। अब इसके साथ वॉलंग सीट के साथ जो कवर इसका आता है वो हाइड्रोलिक कवर आता है, जो कि सॉफ्ट क्लोज होता है। जब क्लोज होगा सॉफ्टली क्लोज होगा, इसमें क्या आवाज नहीं आएगी गिरने की। दूसरा, इसमें नीचे का जो ग्राउंड रहता है वो क्लियर रहता है, मतलब आपको बाथरूम में स्पेस जो है वो बड़ी दिखेगी,
और नीचे की साफ सफाई अच्छे से हो सकती है। नीचे यहाँ से नीचे हाँ जगह रहेगी, ठीक है। ये पूरा रेस्ट फ्लोर पे होता है, ये वॉल पे हैंग होगा। ये हेल्क आई से स्क्रू की हेल्प से, ये स्क्रू लगते हैं इसमें, कंसल्टेंट के स्क्रू आते हैं उस पे हैंग हो जाता है, हैंग हो जाता है। इसकी फ्लशिंग के लिए दो दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो पुश वॉल आता है जो कि पानी की जो 1.5 इंच की लाइन है डायरेक्ट उतरती है सीट तक, उस वाले पुश वॉल लग जाता है, एक वो ऑप्शन है। या दूसरा है कंसील टैंक, कंसील टैंक आपको वो दिख रहा होगा, वो लगा, वो कंसील टैंक है। उसकी क्या स्पेशलिटी है? उसमें क्या पानी स्टोर रहता है, 10 लीटर पानी स्टोर रहता है और जब अपने को यूज करना है वो बटन दे रखे अपन उसको प्रेस करेंगे तो पानी फ्लश आउट हो जाएगा। और जबकि पुश वॉल की बात करें जो मैंने बताया आपको, उसमें अपन प्रेस करेंगे तो टंकी से डायरेक्ट पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों के अपने कुछ प्लस माइनस पॉइंट है, तो दोनों ऑप्शन अपन कोई सा भी लगा सकते हैं इस सीट के साथ, सीट के साथ दोनों के साथ से। उसके बाद एक चीज और आई जिसको बोलते हैं वन पीस सूट हो गया। ये फ्लोर माउंटेड ही रहता है लेकिन इसमें कंसील कुछ भी नहीं जाता है, कंसील पार्ट कुछ भी नहीं रहता है, पूरा ओपन ही लगता है। इसमें आपको ड्यूअल फ्लशिंग मिल जाएगी 3 लीटर और 6 लीटर, 3 लीटर मतलब हाफ फ्लश और 6 लीटर मतलब फुल फ्लश, दोनों आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया वन पीस सूट। अब इसमें भी 2-3 चीज आने लग गई है। टर्नेटो फ्लशिंग स्टार्ट हो गई आजकल आना। टर्नेटो फ्लशिंग मतलब 3D फ्लशिंग होती है जिसमें पानी पूरा वॉल्केनिक जैसे राउंड घूमता है, 360 डिग्री पानी घूमता है, पूरा साफ करके उसके बाद ड्रेन आउट हो जाता है। तो वो इसमें आपको वो चीज मिल जाएगी, हाँ वो भी मिल जाएगा। दूसरा इसमें एक साइफनिक फ्लशिंग आती है। साइफनिक फ्लशिंग होती है कि जिसमें वेस्ट वाटर जितना भी है पूरा एक बार सक हो जाता है प्रेशर से, वैक्यूम के प्रेशर से उसका फ्रेश वाटर फिल होता है। तो वो दोनों चीज आपको वन पीस सूट में मिल जाएगी। और जबकि अपन वॉलंग की बात करें तो इसमें आता है रिमलेस मॉडल। रिमलेस मॉडल मीन्स एक पहले जो आती थी रिम उसमें अंदर पानी अंदर से फ्लश होता था, अंदर होल्स रहते थे। अब इसमें इसमें छोटे छोटे होल्स रहते थे, अब इसमें होल्स नहीं है। अब इसमें जो पानी फ्लश होगा वो पूरा बाहर आपको दिखेगा, पानी फ्लश होगा। अपन दूसरे मॉडल में भी देख सकते हैं क्लियरली रिमलेस फ्लशिंग किसको बोलते हैं। जैसे ये जो हो गया ये रिमलेस फ्लशिंग है, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे होल्स नहीं है, एक चैनल बना हुआ है पूरा 360 डिग्री का, उसमें पानी रोटेट होके पूरा फ्लश आउट हो जाएगा। दोनों में ये मतलब डिफरेंस है, एक नॉर्मल जो फ्लशिंग आती थी और एक ये रिमलेस फ्लशिंग आने लग गई। तो ये अपना हुआ सैनिटरी का, अपन सीट में ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसके बाद चॉइस की बात रहती है, कस्टमर जैसी अपनी चॉइस चाहेगा वैसे वो लगा सकता है प्रोडक्ट, उसकी रिक्वायरमेंट से वैसे उसको पसंद आ रहा है वैसे वो लगा सकता है। और प्राइस क्या? प्राइस रेंज इसकी स्टार्ट होती है 4000 से स्टार्ट होके लगभग 25000 के आसपास की रेंज है इसमें। ये सब अपन देख रहे हैं यहाँ पे, सब वॉलंग के डिजाइन है, जैसी अपनी चॉइस हो जो अपने को पसंद है अपन वो वैसा प्लान आउट कर सकते हैं अपने वॉशरूम में। अब बात करते हैं अपन बेसिन की। बेसिन में सबसे पहले जो लगता था वॉल पे हैंग होते थे बेसिन स्क्रू से, पहले वो बेसिन आए। उसके बाद टेबल टॉप आए। टेबल टॉप में एक कुछ बेसिन में यहाँ पे सेंटर में होल रहता है जिसमें नल लग जाएगा आपका, कुछ बेसिन में होल नहीं रहता है तो उसमें आपको जो नल है वो ग्रेनाइट में से लेना पड़ेगा। तो दोनों तरह के टेबल टॉप प्रेजेंट है, मींस दीवार में से लेना, इसमें दीवार इसमें अपन ग्रेनाइट से लेंगे, दीवार से चाहे दीवार से भी ले सकते हैं अपन, दोनों अपन ले सकते हैं, बाहर से लेना पड़ेगा और इसमें बेसिन मिल जाएगा अपने को। इसके लिए अपने को जैसा उधर देख पा रहे हैं वहाँ पे ग्रेनाइट लगा के और उसके ऊपर नल लगाना पड़ेगा अपने को। टेबल टॉप है जिसमें अपना नल फिटिंग करा हुआ है, हाँ, जिसमें कि नल अपन ने वॉल पे ले लिया है, ग्रेनाइट का बेस बनाया है, उसके ऊपर टेबल टॉप रखा है, नीचे अपन बॉटल टेप लगा दी। और इन सभी का कॉम्बिनेशन भी काफी शानदार लगता, हाँ, है। इनका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, नीचे कुछ भी गंदा नहीं होता इसमें। अपने वो प्लेटफॉर्म पे जो पहले हैंग होता था उसमें क्या बच्चे लटकते थे तो थोड़ा ढीला हो जाता था, इसमें अब अपने को स्टिल है वो बेस बना हुआ है तो इसलिए बेसिन कभी मूव नहीं होगा आपका। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज हो गया। बेसिन में सब डिजाइनर बेसिन की रेंज भी आ गई है आजकल, जो कि अपनी अपनी चॉइस से लोग पसंद करते हैं। किसी या कोई अपना फर्नीचर के साथ से मैच करता है, कोई फ्लोरिंग के साथ से मैच करता है, तो इसमें बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी रेंज, बहुत सारी डिजाइनिंग सब है। अपन कलर वाइज जो कलर बोले, जैसी है उसमें कार्विंग बोले उस कार्विंग अपने को पसंद मिल जाएगा, प्रोवाइड करा देंगे। और प्राइसेस क्या पड़ेगी इनकी? इनकी प्राइस स्टार्ट होती है 3000 स्टार्ट होके, ये 8000-10000 तक के बेसिन आते हैं डिजाइनर में, टेबल टॉप में और वॉल हैंगिंग में। वॉल हैंगिंग सस्ते आते हैं, वो उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 2000 से लेके 5000 के बीच में, और उसमें डिजाइनर नहीं आते हैं, डिजाइनर सिर्फ टेबल टॉप में आते हैं। काफी ओल्ड भी हो गए, वो पुराना हो गया है थोड़ा सा। अगर आप कोई भी इंटीरियर अभी घर बनवा रहे हैं, नए घर बनवा रहे हैं,
तो मतलब ऐसा बनवाए कि वो 5 साल बाद भी वो ट्रेंडिंग में ही रहे वो डिजाइन। हाँ, तो ट्रेंडिंग डिजाइन को हमेशा ही यूज करिएगा, प्रीफर करिएगा। तो भैया मतलब जो भी हमारे कस्टमर है जो मतलब ये सैनिटरी के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं जिनके घर में काम चल रहा है, तो मतलब वो खरीदने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखने, मतलब क्या क्या वो अवेयरनेस और मार्केट फोर्स से वो कैसे बच सके, इनके बारे में आप कुछ पॉइंट्स बताइए। सबसे पहले तो आजकल बहुत ब्रांडेड आइटम्स की डुप्लीकेसी स्टार्ट हो गई है मार्केट में जी। तो सबसे पहले अपन ये ध्यान रखें कस्टमर कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल है, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट खरीद लेंगे तो आपको ना क्वालिटी मिलेगी ना उसकी सर्विस मिलेगी जी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपन डुप्लीकेसी कोई भी अनऑथराइज जगह से अपन मटेरियल नहीं परचेस करें तो उसमें डुप्लीकेसी के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए अपन अथॉराइज जो रजिस्टर्ड डीलर है उनसे माल परचेस करें। दूसरा, अपन अगर रजिस्टर्ड डीलर से परचेस करते हैं तो अपने को वारंटी और एक दूसरा प्राइस अश्योरेंस दोनों चीज वहां पे मिलती है, जिसमें कि अपने को अगर कुछ बाय चांस आफ्टर फिटमेंट अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कंपनी के टेक्निकल टीम आके उसको सॉर्ट आउट करती है। तीसरा जो आइटम हो गया कि अपन जो भी प्रोडक्ट लें उसको पहले एक बार साइट पे कैसे लगेगा या कौन फिट करेगा उससे अपन समझ ले, नहीं तो क्या होता है जनरली मटेरियल परचेस कर लेती पार्टी, लेकिन आजकल आपने देखा होगा मैसन ये मिस्त्री होगा वो लोग वेल ट्रेंड नहीं है, तो वो लोग प्रॉपर नहीं लगाते हैं, उसकी वजह से डाउट ये आता है मन में कि कहीं मटेरियल खराब है, प्रोडक्ट खराब है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा अपन जो कस्टमर है खुद रिसर्च करें, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स प्रेजेंट हैं उनमें से कौन से अच्छे ब्रांड्स हैं वो सिलेक्ट करके वो लगाए तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। और खरीदने से पहले जो जिस भी कारपेंटर या मिस्त्री से आप काम करवा रहे हैं तो उससे भी आप कंसल्ट कर लीजिए कि भैया ये नई डिजाइन है ये आप लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा। जैसे कि मेरे साथ ही हुआ था कि पर्सनली कि 2x2 की टाइल्स थी, मैंने 4x2 की टाइल्स ले लिया, लेकिन वो मिस्त्री था वो एक्सपीरियंस नहीं था तो उसने पूरी टाइल्स बिगाड़ दी ऊपर टॉप पर, मतलब वो लगा नहीं पाया तो ये प्रॉब्लम भी हुई। तो मतलब ये आप पहले ही सुनिश्चित कर लीजिएगा। दोस्तों ये तो हमने कवर किया फोसेट और सैनिटरी के बारे में, अब पाइप्स भी तो यूज़ होंगे भैया, पाइप्स के बिना कैसे नल फिटिंग होगी, तो पाइप्स के बारे में थोड़ा आप बताइए अंकुर भैया हमें। पाइप्स में सबसे पहले एक डिवीजन आता है जिसको बोलते हैं SWR पाइप, सीवरेज वाटर पाइप बोलते हैं जिसको, जो कि सैनिटेशन के यूज़ होता है। दूसरा एक होता है CPVC पाइप, CPVC पाइप अपना येलो कलर का पाइप आता है जो ठंडे और गर्म पानी के लिए यूज होता है जी। और तीसरा जो आता है UPVC पाइप जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल कोल्ड वाटर पाइप जो रहता है जी। ये वाइट कलर का पाइप रहता है जी। ये जो पाइप है ये इसमें 6 इंची वाला पाइप यूज होता है, 4 इंची पाइप यूज होता है और 3 इंची पाइप यूज होता है। 6 इंची अपना अंडरग्राउंड उसमें यूज होता है जी। जो अंडरग्राउंड अपना जो चैम्बर से टाइल्स के नीचे चैम्बर कनेक्ट करते हैं उसमें 6 इंची पाइप यूज होता है, 4 इंची और 3 इंची भी नॉर्मल यूज होता है फ्लोर्स में, जो कि सैनिटेशन जो रहता है वेस्ट वाटर रहता है उसको ड्रेनेज तक ले जाने के लिए यूज होता है। के ऊपर हाँ, होता है वो यूज होता है, ये तीन इंच और 4 इंची। CPVC पाइप में 0.5 इंची 1 इंची यूज होता है, 0.5 इंची जो कि अपना टंकी से जो पाइप आता है वो उसमें 0.5 इंची और 1 इंची दोनों लगाते हैं। इसमें आपको फिटिंग से आपको एल्बो टी बॉल वॉल MT FT सब मिल जाएगी, तो ये पूरी फिटिंग यूज होती है। और ये होती है UPVC आजकल जो ठंडे पानी के लिए होता है, आजकल UPVC का थोड़ा ट्रेंड कम हो गया है क्योंकि गर्म और ठंडे दोनों पानी की यूज आजकल लाइन डालते हैं वो येल्लो वाली डालते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है कॉस्ट में, लेकिन इसलिए तो लोग आजकल CPVC यूज करते हैं बजाय UPVC के। तो वो सस्ता पड़ता है? नहीं सस्ता नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि अगर अपन UPVC अगर लगाते हैं बाय चांस कभी इसमें गर्म पानी आ गया या गर्म पानी रिवर्स होके आ गया तो फिर ये लाइन फट जाती है, क्योंकि ये सिर्फ ठंडे पानी के लिए, इसलिए लोग CPVC उसको प्रेफर करते हैं, दोनों काम हो जाता है। उसमें अगर कभी सोलर गीजर लगाया अपन ने तो उसमें भी वो लाइन सक्सेसफुल रहती है, इसलिए CPVC यूज करते हैं। और इसमें अपन SWR यूज करते हैं 4 इंची 3 इंची और 6 इंची फिटिंग्स में। इसकी कुछ फिटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि बैंड हो गया 4 इंची का, दूसरा ये कपलर हो गया 4 इंची का, एक ये 3 इंची का कपलर हो गया और एक ये 3 इंची का बैंड हो गया। ये बहुत सारी फिटिंग्स है, ये प्लम्बर लिस्ट बनाता है उसको अपने एक बार चेक करके, हाँ चेक करके लिस्ट बना देता है, उसके बाद ये मटेरियल पार्टी लेके आती है और फिर फिटिंग स्टार्ट होती है। तो ये पूरा पाइप डिवीजन है, इसमें इसमें बस ये देखना है कि अपने को कि जो पाइप और फिटिंग लाए अपन वो एक ब्रांड के लेके आए, क्योंकि लोकल जो फिटिंग भी आती है आजकल PVC का आइटम है कहीं पर भी बन जाता है, अपन आस पास देख सकते हैं पीथमपुर राव में भी बनता है, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है तो अपन बाद में समस्या देखने को मिलती है, इसलिए अपन जो भी चीज लगाए वो ब्रांडेड हो अच्छी क्वालिटी का हो। और क्या प्राइस पड़ती है पाइप की? पाइप 6 इंची पाइप अपना लगभग 1300 रुपए का पड़ता है, 4 इंची पाइप अपना 700 रुपए का पड़ता है और 3 इंची जो पाइप है वो 500 रुपए का पड़ता है।
और दोस्तों ये जो प्राइस रेंज है ये आपके सिटी आपके लोकेशन के हिसाब से ये ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कि नहीं एग्जैक्ट है, ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है बिल्कुल। तो ये कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, तो ये ऊपर नीचे आप देख लीजिएगा, एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस है। तो अंकुर भैया ये तो हमने पाइप फिटिंग सैनिटरी सबकी बात कर ली, तो अगर हमारा कोई व्यूअर है कोई वीडियो देख के अगर आपके पास आ रहा है तो उसका कोई आपके कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स एड्रेस आप ये सबसे पहले बता दीजिए। शोरूम का नाम है ऑर्चिड एंटरप्राइजेस, एड्रेस जो ये आएगा रेती मंडी चौराहे के पास में है, वो माइट्स बिल्डिंग के पास में सर्विस रोड पर है। ये अब डिटेल्स इसमें मैं विजिटिंग कार्ड दिखा रहा हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं दोस्तों, तो वहाँ से आप जाकर इनसे कॉन्टैक्ट और संपर्क कर सकते हैं दोस्त। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको पूरा सैनिटरी कवर कर दिया है, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। लास्ट में मैं अंकुर भैया का थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने हमें परमिशन दी है यहाँ पर आपको शूट करने की और हमें और आपको काफ़ी जानकारी मिली है सैनिटरी के बारे में। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।